मसूरी के सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में स्कूली छात्र छात्राओं को SDRF के जवानों द्वारा आपदा से बचने के गुर सिखाए गए। साथ ही उन्हें भूकंप, बाढ़ और सड़क दुर्घटना होने पर बचाव के बारे में जानकारी दी गई। वहीं इसके साथ SDRF के जवानों ने मॉक ड्रिल के माध्यम से स्कूली बच्चों को संभावित दुर्घटनाओं से बचाव के बारे में जानकारी दी। इस मौके पर SDRF कप्तान अजय भट्ट ने बताया कि उत्तराखंड आपदा के लिहाज से बहुत संवेदनशील है, जिसे देखते हुए आज स्कूली छात्र छात्राओं को दुर्घटनाओं से बचाव के बारे में जानकारी दी गई है। इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए पूर्व विधायक जोत सिंह गुनसोला ने कहा कि SDRF उत्तराखंड में लगातार अपनी सेवाएं दे रहा है। साथ ही उन्होंने रोटरी क्लब का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रम छात्र छात्राओं में जन जागरूकता पैदा करते हैं और आपदा के समय उससे निपटने के लिए पूरी तरह तैयार रहते हैं। मसूरी से संवाददाता अजीत कुमार सिंह की रिपोर्ट। यहाँ जो बच्चों को जो दुर्घटनाएं होती है, जो अर्थक्वेक वगैरह के बारे में जानकारी दी है, किस तरीके की जानकारी उपलब्ध करेगी यहाँ बच्चों को? ये बेसिकली हमारा SDRF का जन जागरूकता का एक कार्यक्रम चलता है, जिसमें स्कूली बच्चों को और जो वहाँ के नागरिक हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, तो उनको जो भी डिज़ास्टर है उसके बारे में उनको जानकारियाँ देते हैं कि कैसे अपना बचाव करना है, अपना बचाव करने के बाद जो घायल हैं या जो ज़रूरतमंद हैं उनकी कैसे आपने हेल्प करनी है, तो उसके संबंध में ये जानकारियाँ देते हैं। सर, जैसे कि उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदाएं के साथ ही जो रोड एक्सीडेंट होते हैं, उसमें किस तरीके से SDRF अपनी भूमिका निभाती है? जो भी आपदाएं आती हैं, जैसे कि मैं बताना चाहूँगा कि इससे पहले चक्राता में एक गांव पड़ता है, आगे आराकोट है, आराकोट में बादल फटा था, तो उसमें भी SDRF ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था और उसमें काफ़ी जो आसपास के गांव अफेक्ट हुए थे उसमें मदद की थी, राशन पहुंचाया था, वहां पे कम्युनिकेशन स्थापित किया। इसके बाद फिर ये जो रैणी गांव में हुआ था, जोशीमठ में, वहां पर भी जो आपदा आई थी, जो फ्लड आया था, उसमें काफ़ी मदद की जो NTPC है और जो आसपास के गांव हैं वो कट ऑफ हो गए थे, उनको रिस्टोर किया, गांव में राशन वगैरह भिजवाया, तो ये सारे कार्य SDRF ने किए। ये रोटरी इंटरनेशनल की मसूरी जीव शाखा है, उन्होंने एक अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया और स्कूल के बच्चों के लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स, जो हमारा स्पेशल जो है डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्स है, उस फोर्स ने आकर जो है यहाँ पर डेमोंस्ट्रेशन दिया, यहाँ पर लेक्चर दिया और उनको जो है, क्योंकि उत्तराखंड अपने में बहुत सेस्मिक जोन है, प्रोन एरिया है, जोन 4-5 में आता है और इस पर जो है भूकंप की बड़ी भारी दैवीय आपदा आने की संभावनाएं सदैव बनी रहती हैं, तो इसके लिए हमको ये बहुत लाभप्रद होगा जो प्रयास रोटरी इंटरनेशनल ने मसूरी में किया कि बच्चों को जो है जन जागरूकता से जोड़ा और SDRF के लोगों ने जो है उनको बारीकियाँ बताई कि कैसे भूकंप के समय में कैसे आप जो हैं अंदर फंसे हुए लोगों को कैसे निकाल सकते हैं, कैसे उनको सहयोग कर सकते हैं, कैसे उनको आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे उनकी सुरक्षा की बात कर सकते हैं, खुद भी सुरक्षित रहेंगे और आने वाले समय में भी सुरक्षा की बात करेंगे, तो ये सब ट्रेनिंग यहाँ पर दी जा रही है। और इस ट्रेनिंग में मैं तो आग्रह करूँगा कि आने वाले समय में रोटरी के साथ ही भी इसको और सिविलियन से जोड़ें, नागरिकों से जोड़ें और नागरिक जो हैं कम से कम उसका लाभ और उस शिक्षा को ग्रहण करें जो कि आने वाले किसी भी आपदा का सामना कर सकते हैं, सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं और जो लोग उसमें फंसे हुए हैं उनकी सहायता कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा प्रयास है, इस प्रयास के लिए मैं रोटरी को और SDRF के साथियों को मैं मुबारकबाद देता हूं। जैसे कि अभी यशपाल आर्या